हेलो गाइज, हम इंडिया में 3 घंटे बिना पानी के भी रह सकते हैं और बिना खाने के भी रह सकते हैं, बट 30 मिनट बिना इंटरनेट का रहना बहुत मुश्किल है। गाइज, आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट कैसे काम करती है? कभी किसी को ज़्यादा स्पीड मिलती है तो कभी किसी को कम स्पीड मिलती है। क्यों अलग अलग टैरिफ प्लान अलग अलग ऑपरेटर देती है? अरे यार, इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट मेरे तक पहुँचता कैसे है? हाँ गाइज, दिस इज मनोज, न्यू वॉचिंग द मनोज। इंडिया को मिलाकर पूरा वर्ल्ड इंटरनेट से कनेक्टेड है। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा इंटरनेट काम कैसे करता है। आपको लगता होगा सैटेलाइट से चलता होगा, शायद ये इंटरनेट जो बिछा के रखा है पूरी दुनिया में वहाँ से चलता होगा, बट आपको नहीं पता होगा 99% इंटरनेट ऑप्टिक फाइबर केबल से चलती है। या भी आप बोलेंगे मैं तो मोबाइल से इंटरनेट चलाता हूँ, मोबाइल में क्या केबल लगी है, बट जिस भी इंटरनेट से आपको टावर आता है उस टावर से लेकर पूरी एक केबल लगी हुई है जहाँ तक आपको जाना है। मैं आपको इस वीडियो में सबसे आसान तरीके से समझाता हूँ। सो गाइज, आपके तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनियों से होकर के गुजरना पड़ता है। पहला कंपनी है TR1। TR1 कंपनी वो कंपनी है जो पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर केबल बिछा के रखी है। अब गाइज देखो, इंटरनेट बिल्कुल फ्री है। फ्री कैसे होता है गाइज? अब आपने घर में हो और घर से आपका ऑफिस 20 किलोमीटर दूर है। अब आपको घर और ऑफिस के बीच में एक केबल बिछा देना है और केबल के थ्रू इंटरनेट से दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर देना है और आपको बोल देना है कि ये इंटरनेट है। अब आपका जो पैसा लगा, ठीक इसी तरह से TR1 कंपनी होती है। उनने पूरे वर्ल्ड में कंट्री टू कंट्री सारे समुद्रों से ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा दी। अब सारे कनेक्ट हो गए एक तरह से कंट्री टू कंट्री। अब कंट्री से स्टेट में डिवाइड करना, स्टेट से सिटी और सिटी के बाद आपके लोकल एरिया तक पहुंचा दिया जाता है। गाइज, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अब चलते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पर और आपको फिजिकली समझाता हूँ कि कैसे सारे चीजें काम करती है। और गाइस, ये आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही, उसके साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता तो चले एक्चुअली इंटरनेट उसके पास आता कैसे है और पैसा जो आप देते हैं इंटरनेट का वो जाता कहाँ है। सो गाइस, इस तरह का केबल पूरी दुनिया में बिछी हुई है। देखेंगे ना, इस तरह का केबल बिछाई जाती है और इस तरह का जो केबल बिछाई जाती है उसका नाम है ऑप्टिक फाइबर केबल या सबमरीन केबल भी कहते हैं। ये कंपनी जो केबल बिछाती है जो बिल्कुल इस तरह से दिखाई देती है और हर एक केबल इंसान के बालों के बराबर होता है और हर एक केबल में 100 GBPS की स्पीड होती है और उसमें 100 GBPS बैंड्रिथ रहती है। इस तरह का केबल ऑप्टिक फाइबर केबल या समरिन केबल जो कंपनियां बिछाती है उस कंपनियां को TR1 कंपनी कहते हैं। अगर आप इंडिया में देखें TR1 कंपनी, तो यहाँ पे 4 कंपनियां हैं, भारतीय, रिलायंस, टाटा और BSNL, जिन्होंने ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा के रखी है। और यहाँ पे samrinkable.com की वेबसाइट पर आने के बाद आप पूरे वर्ल्ड में कुछ इस तरह से देख पाएंगे वहाँ पे किस तरह से केबल बिछाए हुए हैं और इस तरह से केबल सारे कंपनियों ने अपने पैसे लगा इन्वेस्ट करके सारे केबल को बिछा के रखे हैं। अगर यहाँ पे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया में देखें यहाँ पे कहाँ कहाँ पे फाइबर केबल का जो लैंडिंग पॉइंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे जगह पे लैंडिंग पॉइंट है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोची हो गया, इन सभी जगह पे लैंडिंग पॉइंट है और लैंडिंग पॉइंट के बाद इंडिया में यहाँ पे इंटरनेट आ जाती है और यहाँ पे आने के बाद इसको TR2 कंपनी और TR3 कंपनी अलग अलग कंपनियाँ जैसे BSNL, आइडिया हो गया, वो अलग अलग जगह पर पूरे इंडिया में फैला देता है और उसी तरह से सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से। बात करें तो देखिए, यहाँ पे हमारा इंडिया आता है। अब हमारे इंडिया में जो केबल्स हैं वो देखिए कहाँ कहाँ बिछी हुई है। पहली तो इसकी जो केबल है इंडिया में वो है हमारी मुंबई में है इसका लैंडिंग पॉइंट। तो पूरे इंडिया से, अगर पूरे इंडिया में हमारा ऑपरेटर देखें, हम जियो, एयरटेल, आइडिया, इन लोगों ने अपने टावर लगा के रखे हैं, अपना पूरा सेटअप जमा के रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है। अब पूरे इंडिया से आप कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे जिनके सर्वर्स जो है इंडिया के बाहर हैं तो वो लैंडिंग पॉइंट से निकलेगा उनकी केबल्स के थ्रू आपका पूरा डेटा ट्रैफिक और वो चला जाएगा उस सर्वर तक जिस भी लोकेशन में है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक जाता है वो जाता है मुंबई से। तो यहाँ पे देखिए मुंबई में बहुत सारी केबल्स कनेक्टेड हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पे चेन्नई में भी कनेक्टेड है। देखिए चेन्नई में भी केबल्स कनेक्टेड हैं जो आपके राइट साइड में कंट्रीज आ रही हैं। उसके बाद आप और देखेंगे तो इतने सारे लैंडिंग पॉइंट है कोचिन में है। तो इतने सारे लैंडिंग पॉइंट से ही आपका डेटा निकलता है, कोई सैटेलाइट से चीजें नहीं चलती है। रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, ये लेके आपके मुंबई से निकाल देगा आपका डेटा।
डेटा कोचिंग से निकाल देगा जहां पे जिसके सर्वर है। अब देखो रिलायंस जियो की बात करें ना, तो रिलायंस जियो ने खुद की अपनी सबमरीन केबल्स बिछा के रखी है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, तो इसमें इनके पास 40 टेराबाइट की कैपेसिटी मिल गई है। इसलिए रिलायंस जियो आपको फ्री में नेट दे देता है क्योंकि एक बार का उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर एशिया, अफ्रीका और यूरोप की कंट्रीज में आप जाते हैं, आपका ट्रैफिक लेके आप वेबसाइट विजिट करते हैं इन कंट्रीज से, तो ऑटोमेटिकली वो उनकी केबल से निकाल देते हैं, तो उनका कोई पैसा नहीं लगता है। अब देखो जो टीयर वन कंपनी है, इनने तो अपना बिछा दिया, इनका कोई पैसा नहीं लगता, एक दूसरे से इनने पूरा वर्ल्ड जो है वो कनेक्ट कर दिया ताकि एक इंटरनेट की शुरुआत हो गई, इतनी सारी केबल्स बिच गई। अब होता क्या है ना कि ये जो केबल्स हैं ये टूटती हैं फूटती हैं क्योंकि समुद्र के अंदर है, 25 साल से ज्यादा इनकी लाइफ नहीं रहती है। तो मान लो किसी शार्क ने उसको खा लिया या कुछ हो गया, टूट गई, ब्रेक हो गई, तो उसको हमको बैकअप चाहिए, तो बैकअप के लिए बहुत सारी केबल्स बिछा के रखते हैं ये लोग और ये मेंटेनेंस भी करते हैं। तो इनके पास कोई पैसा नहीं लगता, इंटरनेट पूरा फ्री है, बस इनको एक कनेक्ट करने का पैसा लगा है। तो अब जो टीयर टू कंपनीज होती हैं वो बोलती हैं आप इंडिया तक तो ले आए सारी चीजें, अब हमें इंडिया से डायरेक्ट दे दो ताकि हम इंडिया से हमारा पूरा सेटअप जमा लें और हम लोगों से पैसा लें और आपको थोड़ा बहुत पैसा दे दें। तो पर जीबी के हिसाब से इन लोगों को पैसा मिल जाता है टीयर वन कंपनीज को, और ऑटोमेटिकली टीयर टू कंपनी जितने में भी उनसे लेती है पर जीबी, उससे और ज्यादा हम तक पहुंचाती है। और इवन हम तक आते आते तो टीयर थ्री कंपनी और आ जाती है जो बिल्कुल लोकल में चलती है, टिकोना हो गया, हैथवे हो गया, ये लोग टीयर टू से खरीदते हैं, टीयर टू वाले टीयर वन से खरीदते हैं। तो देखो घुमा फिरा के सारी चीजें फ्री है, बस ये सेटअप कॉस्ट बिछाने की कॉस्ट है। अब देखो रिलायंस जियो आइडिया की हम बात करें तो इन लोगों ने भी अपने टावर लगाए हैं, अपनी केबल्स बिछाई हैं। रिलायंस जियो 4G कनेक्टिविटी कैसे ला पाया, क्योंकि वो 5 साल से अपना काम कर रहा था फाइबर ऑप्टिक इंडिया के अंदर बिछाने के लिए। इंडिया के बाहर तो पहले से ही पूरी जगह बिछी हुई है, टीयर वन ने बिछा के रखी है, अब इंडिया के अंदर उसने फाइबर ऑप्टिक बिछाई जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी स्पीड आ जाती है। अब मान लो आपके एरिया में रिलायंस जियो ने ना एक टावर लगाया, वहां पे 100 Mbps का टावर की बैंडविड्थ है, अब वो 100 Mbps आपके एरिया में जितने मोबाइल होंगे सब यूज कर रहे हैं। अब 4G तो उनने बोल दिया, 20 Mbps के हिसाब से अगर आप देखें काउंट करें तो 5 लोग यूज कर पाएंगे 100 Mbps। तो इस हिसाब से उनके हर टावर में कुछ ना कुछ एक मैक्सिमम बैंडविड्थ है उनके वायर्स में, तो वो वायर्स को फिर वो और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपके एरिया में अगर रश है, बहुत लोग रहते हैं और सब लोग जियो यूज करते हैं, तो आपको स्पीड कम मिलेगी क्योंकि वो उन्हीं का टावर में बैंडविड्थ तो फिक्स है 100 Mbps या 1 Gbps, उसी में उनको डिवाइड करके देना है। इसलिए होता क्या है कि रात में ज्यादा लोग यूज नहीं करते तो कभी आपको स्पीड अच्छी आ जाती है, और अगर दिन में यूज करते हैं बहुत लोग तो स्पीड कम आती है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। घुमा फिरा के उनको पहुंचाना तो आपका डेटा ट्रैफिक यहां से ही है, इनके वायर से ही है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं कि जैसे इंडिया में, अब देखो आप यहां पे तो बोलोगे मान लो आपने इंडिया से विजिट किया google.com, तो गूगल का सर्वर इंडिया में तो नहीं है, बाहर है, तो ट्रैफिक यहां के थ्रू निकल जाएगा बाहर तक। लेकिन इंडिया में अगर आप यूज करते हैं flipkart.com है, amazon.com है, तो बोलते यह है कि अगर आपकी इंडियन ऑडियंस है और आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तो आप इंडिया का सर्वर लो ताकि ये सबमरीन केबल से इतना लंबा घूमना ना पड़े, इंडिया में ही हम पूरा ट्रैफिक घुमा दें और आपको जल्दी से कनेक्टिविटी मिल जाए। तो अगर आप इंडिया टू इंडिया किसी सर्वर को कनेक्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट को, अमेजोन को, इन सब ने इंडिया में बैंगलोर में सर्वर्स बना के रखें, तो ऑटोमेटिकली जिस भी सिटी से होंगे ऑटोमेटिकली बैंगलोर वाले सर्वर में कनेक्ट हो जाओगे, तो ये सबमरीन तक आपका डेटा गया ही नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी यूज करोगे तो प्रॉक्सी लेके जाएगी आपको पहले यूएसए, फिर यूएसए से वापस लाएगी इंडिया, इसलिए बोलते हैं प्रॉक्सी में जो है वो स्पीड कम हो जाती है। अब देखो इंडिया में एक निक्सी बनाया हुआ है, न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज। इसमें क्या है कि जो इंडिया के सर्वर्स हैं, इंडिया में जितने ऑपरेटर हैं, जितने ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन सबको मिला के एक चीज बना दी गई निक्सी करके। अब इसमें होगा ये कि इंडिया के इंडिया में अगर ट्रैफिक घुमाना है तो क्यों हम बाहर की कंट्रीज में उसको कनेक्ट करें, बाहर की सबमरीन केबल्स में उसका ट्रैफिक ले जाएं, इंडिया के इंडिया में रखेंगे तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, प्राइवेसी बढ़ जाएगी। अब आधार कार्ड का डेटा ले लो, आधार कार्ड का डेटा अगर आप इंडिया के बाहर सर्वर में रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली इन सबमरीन केबल से जाएगा, तो बाहर की कंट्रीज के ऑपरेटर लोगों को भी पता चल जाएगा कि ट्रैफिक क्या जा रहा है। इसलिए आधार कार्ड को प्राइवेट रखने के लिए, बहुत सारी चीजें प्राइवेट रखने के लिए इंडिया के इंडिया में ही हम सर्वर बनाते हैं और इंडिया के इंडिया में ही हम लोगों ने छोटे छोटे सब जितने ही ISP यूज हो रहे हैं, टीयर टू, टीयर थ्री, इन सबको जोड़ के एक निक्सी करके चीज बना दी कि इंडिया के इंडिया में कुछ विजिट करना चाहेगा तो अंदर ही अंदर घुमा के उसको वहां तक पहुंचा देंगे केबल्स के थ्रू। तो यहां पे आप आएंगे ना तो यहां पे ये दिखाता है देखो कितना एक्सचेंज डेटा जाता है। तो देखो यहां पे बकायदा बताएगा आज इस टाइम पे मुंबई से कितना जीबी का डेटा जा रहा है पर सेकेंड। तो देखो मुंबई का ट्रैफिक सबसे पूरे इंडिया का ट्रैफिक मुंबई के थ्रू जाता है, 80 से 90% ट्रैफिक जो भी है मुंबई की सबमरीन केबल से जाता है। तो देखो यहां पे आपको बताएगा बिल्कुल पर डे के हिसाब से कि आपको कितने GBPS के पोर्ट चल रही है मुंबई में। तो देखो 52 GBPS जा रहा है मुंबई से इसका ट्रैफिक, और देखोगे आप रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक ज्यादा ट्रैफिक नहीं जाता है क्योंकि इंडियन लोग जो हैं वो सोते हैं रात में, तो ज्यादा यूज नहीं होता डेटा। फिर जैसे सुबह होती है, ऑफिस स्टार्ट होते हैं, चीजें स्टार्ट होती है, तो देखो वापस से ट्रैफिक जाने लगता है। तो यहां पे आप आके देख सकते हैं आराम से कि पूरे मुंबई में जो पूरा डेटा जा रहा है सारे ISP मिला के वो कितना जा रहा है। ऐसे दिल्ली नोएडा का बता देगा ये कि 44 GBPS जाता है, चेन्नई से 52 जाता है, कोलकाता से 40 Mbps के आसपास स्पीड जा रही है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि जो पूरा इंटरनेट का ट्रैफिक है हमारे पूरे देश का, वो मुंबई से अगर जा रहा है तो इतने यहां से जा रहा है, दिल्ली से जा रहा है तो यहां से जा रहा है। तो होता क्या है कभी कभी
भी अगर केबल बंद हो जाती है तो स्पीड भी कट जाती है, क्योंकि सबमरीन केबल्स कट गई। अब ये केबल्स कट गई, इंटरनेट तो इन्हीं के थ्रू जा रहा था, तो बैकअप्स बना के रखते हैं अलग अलग। मान लो मुंबई से जो चीज़ जानी थी वो कोचिंग से भिजवा देंगे, लेकिन कोचिंग से जो रूट मिलेगा उनको वहां तक जाने का यूएसए तक, वो हो सकता है कि और कहीं से घूम फिर के रूट जाए, और शायद मुंबई से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो यूएसए की तो ट्रैफिक जल्दी चला जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, और सबको सॉफ्टवेयर से मैनेज होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस इंटरनेट यूज़ करना है, आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी जाएगी इंडिया में, और आपका ट्रैफिक कैसे ना कैसे करके घुमा फिरा के पहुंचा देंगे पूरी दुनिया के किसी भी सर्वर पे जहां पे सर्वर लिस्टेड है। तो इंटरनेट जो है वो है तो पूरा फ्री, कॉस्ट आती है मेंटेनेंस की, कनेक्टिविटी की, और आप तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने की। अब मैं आपको बताता हूं, कोई आप विजिट करते हैं कोई वेबसाइट तो जो आपका ट्रैफिक है वो कहां कहां से जाता है। सो गाइस देखिए, मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया। यहां पे अगर आप विंडोज के पीसी यूज करते हैं तो एक कमांड होता है ट्रेस आरटी, उसके आगे जिस भी डोमेन का नाम लिखेंगे उसकी आईपी रिजॉल्व हो जाएगी, और अब ये जो है ये पूरा बताएगा कि आपके घर से लेके google.com के सर्वर तक कितनी जगह बीच बीच में कनेक्शन बना, और ये कनेक्शन आपको बताएगा, अपन इसकी आईपी निकाल निकाल के देखेंगे। सो गाइस ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो गूगल की जो आईपी एड्रेस है वो ये है, यहां तक हमको जाना है हमारे घर से। तो ये जो आईपी है ये मेरे मॉडम की है, मतलब पहले कंप्यूटर से मेरे मॉडम तक गया, उसके बाद अब इस आईपी की मैं आपको लोकेशन दिखाऊं। तो देखिए यहां पे इस आईपी की लोकेशन आ रही है भोपाल, मतलब उसके बाद ये भोपाल वाले एयरटेल के सर्वर से गया। उसके बाद अब इस आईपी की अपन लोकेशन देखते हैं। अब देखिए 182 वाली जो आईपी है ये आ रही है दिल्ली की, तो ये उसके बाद मेरे भोपाल से सीधा गया, इसका ट्रैफिक दिल्ली पे, और दिल्ली का ये एयरटेल का सर्वर ही बता रहा है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। इसके बाद अब अपन ये वाली आईपी देखते हैं, ये कहां की आईपी है। तो ये इससे पता चलेगा हमको कि दिल्ली के बाद जो है वो ये ट्रैफिक कहां पे गया, ये डायरेक्टली कैलिफोर्निया चले गया यूएसए में। तो मे बी एयरटेल और गूगल के बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन होगा दिल्ली के थ्रू, जिसके थ्रू ये पूरा कनेक्शन चला गया। दिल्ली के बाद जो है ये कैलिफोर्निया के बाद देखते हैं कहां जाता है कनेक्शन। उसके बाद वाली आप आईपी यहां पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैलिफोर्निया के बाद ये जो कनेक्शन है ये कैलिफोर्निया में गूगल के दूसरे सर्वर पे गया। उसके बाद हम वापस से एक और कनेक्शन देखेंगे, एक और आईपी एड्रेस हमें मिला है, वो कहां का है, वो भी मुझे लग रहा है वहीं का होगा, अंदर ही अंदर उनके सर्वर्स हैं उसी जगह। तो ये जो है ये भी कैलिफोर्निया का है, तो अंदर ही अंदर तीन चार सर्वर में घुमा ट्रैफिक और डायरेक्टली फिर गूगल के सर्वर तक पहुंच गया। तो ये प्रोसेस से आप पता लगा सकते हो कोई भी वेबसाइट जो है वो आपसे लेके उसके सर्वर के बीच में कहां कहां से आपका ट्रैफिक गया, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोकेशन के थ्रू गया। इसके बीच में अगर एयरटेल जो है वो टाटा से खरीद रहा होता कनेक्शन, या फिर अगर जियो से खरीद रहा होता, तो यहां पे आपको आईपी पे दिख जाता कि एयरटेल का ट्रैफिक जियो के थ्रू जा रहा है, तो आप समझ जाते कि जो एयरटेल है वो टियर 2 हो गई और जियो जो है वो टियर 1 हो गया, जहां पे उन्हें सबमरीन केबल बिछाई है। तो इसके थ्रू आप सारी